जर्नी काफ़ी अच्छी रही है क्योंकि आ, मैं एक नॉन पैजेंट्री बैकग्राउंड से हूँ तो काफ़ी नया था मेरे लिए सब कुछ आ, क्या करना है कैसे करना है हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा था हालांकि मैंने आ, पिछले साल ही शुरू कर लिया था अपनी ट्रेनिंग इसके लिए तो पूरा साल उसी में चला गया कि किस तरीके से मिस इंडिया में जाना है और किस तरीके से वहाँ पर जाके परफॉर्म करना है तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है मेरी बचपन का कोई सपना नहीं था मेरा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस बारे में मुझे पता था कि मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स है um. बट वो होता क्या है कैसे होता है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था तो जब मानुषी चिलर क्राउन जीते थे तब मैंने इसके बारे में रिसर्च की कि ये होता क्या है तो मुझे पता चला इन्हें पैजेंट्स बोलते हैं और इनमें किस तरीके से इनरोल करना है कौन सी कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है किस तरीके से खुद के ऊपर काम करना होता है तो इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी तब जाके मुझे लगा कि शायद मैं भी यहाँ पे एक ट्राई दे सकती हूँ मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हो गया और इसी तरीके से मैंने अपना पैशन डेवलप किया वहाँ पे और फिर मैं मिस इंडिया के लिए एक साल की ट्रेनिंग लेके फिर आई क्विट करने का ख्याल तो नहीं आया पर काफ़ी ऐसे टाइम भी थे जब ऐसा लग रहा था कि नहीं, नहीं हो रहा है या कुछ नहीं होगा शायद या कुछ तो गलत हो रहा है ये मेरे को लगता है कि हम सारी तीस लड़कियों के दिमाग में एक ना एक बार तो आया ही होगा क्योंकि होता है हमेशा सारे हर दिन एक जैसा नहीं होता कभी ना कभी हम लो फील करते हैं कभी एक तो हम फैमिली से भी दूर है और एक महीने से हम उनसे भी दूर है तो कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें नहीं होती क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबसे सब कुछ होगा तो उस टाइम पे बहुत ही ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत लो फील होता है कि क्यों नहीं हो रहा है इतना कोशिश करने के बावजूद पर जैसे जैसे खुद को संभालना था क्योंकि आगे भी दिन आने थे और आज नहीं हुआ तो क्या हुआ कल होगा यही सोच के मैं आगे बढ़ती रही नाले के दिन तो आ, सबसे अलग अलग तरीके मेरा भी एक सवाल था जिसमें मुझसे पूछा था कि जब 25 साल हो गए थे ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन इनको जीते हुए तो मुझसे पूछा गया था कि आप किसकी बायोपिक में काम करेंगे और क्यों तो तब मैंने कहा था कि मैं ऐश्वर्या राय उनके बायोपिक में काम करूंगी क्योंकि उनकी जर्नी मुझे पता है जिस तरीके से उन्होंने फेलियर्स देखे और फिर भी उनसे बिना डरे हुए जैसे वो आगे जाती रही जिस तरीके से वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ मेंटेन करती एक प्रॉपर ब्लेंड है कि मॉडर्निटी और अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ किस तरीके से साथ में लेकर चलना है तो वो मैंने उनसे सीखा है तो अगर मुझे मौका मिलता है इन दोनों में से किसी एक के बायोपिक में काम करने का तो मैं उनके बायोपिक में काम करूँगी फैमिली मुझे याद है मुझे जब क्राउन किया था जब मेरा नाम अनाउंस किया था तब वो ऑडियंस में बैठे हुए थे साइड में और काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे मेरे मम्मी पापा दोनों उछल उछल के नाचने लग गए थे तो वो मुझे दिख रहा था कि हाँ वहाँ पे मेरी फैमिली है पूरी भीड़ में पता चल रहा था कि उनकी बेटी जीती है इतना खुश थे वो लोग वहाँ पे तो काफ़ी खुश है अभी फ़िलहाल वो मेरा वेट कर रहे हैं कि कब मैं घर पर आऊँ और उनसे मिलूँ क्योंकि अभी तक हम उनसे मिले नहीं हैं तो बस मैं भी एक्साइटेड हूँ कि कब जाके मैं उनसे फटाफट से मिलूँ और एक अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड करूँ सिर्फ बीस साल की हूँ तो मुझे लगता है पहले मुझे मेरी पढ़ाई कम्प्लीट कर लेनी चाहिए उसके बाद में तो जैसे ऑप्शन आते हैं वैसे और बॉलीवुड में तो मोस्ट ऑफ़ दी लड़कियों का इंटरेस्ट होता ही है बट देन वो डिपेंड करता है कि वो कौन से सिचुएशन पे आ रहा है और उस टाइम पे हम उस चीज़ के लिए रेडी है या नहीं mm -hmm. तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है फिलहाल तो मिस वर्ड और पढ़ाई इंपॉर्टेंट है मेल में मैं दीपिका पादुकोण की बहुत बड़ी फैन हूँ और मेल uh, में चाइल्डहुड क्रश है शाहिद कपूर तो उनकी मैं फैन हूँ hmm. तो ये दोनों मेरे फेवरेट हैं बॉलीवुड में okay. मेरा जो ब्यूटी द पर्पज प्रोजेक्ट है वो है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी तो क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो वहाँ पे अभी भी ऐसा नहीं है कि सबको इक्वल स्टेटस मिलता है तो मेरा प्रोजेक्ट वही है कि स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी जो अभी फ़िलहाल वुमेन एम्पावरमेंट के स्टेज पर है जहाँ पे हम लोग फ़िलहाल वुमेन को एक इक्वल स्टेटस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने वो प्रोजेक्ट अपने गाँव से ही शुरुआत की उसके बारे में बात करना क्योंकि मेरे घर में मैंने कभी कोई इनवालिटी नहीं देखी मेरे भाई और मुझे एक जैसा ट्रीटमेंट मिला है मेरे पेरेंट्स की तरफ से तो वही हम लोग आगे जाके लोगों से बात करके उन्हें बताना चाहते हैं क्योंकि जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगी तब तक कुछ बदलने नहीं वाला तो एक नज़रिया बनाना है कि सब इंसान है किसी को लड़का या लड़की की तरफ से मत देखो सब इंसान है वो देखो